नमस्कार साथियों, करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई वे से रिलेटेड बात करेंगे। और बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना ये रहेगा कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, मैसेज भी मेरे पास आप लोग कर रहे हो कि सर जो जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ था मार्च, यानी आप समझ सकते हैं 1 मार्च से पहले, फरवरी का आप मान सकते हैं एंड में, वो उनका क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो जो अभी उनका फ़ाइन है वो माफ़ नहीं हो रहा है, वो शो नहीं कर रहा है कि सर आपको माफ़ी मिल गई, वो जितना फ़ाइन है वो आपका पूरा का पूरा शो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड हम पूरी टॉपिक पे बात करेंगे। 3 मिनट का वीडियो पूरा देखते चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने, आपको पता है, कोरोना महामारी में जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी लास्ट आप मान सकते हैं फरवरी, जी हाँ, उनको चाहे वो वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आप विजिटर हो, आप टूरिस्टर हो, आपके पास इमिरेट्स आईडी है, आप चाहे रेजिडेंशियल वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, एक्स वाई जेड कोई भी वीज़ा हो, उसको गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई मार्च से पहले जितने भी टाइप के वीज़ा वर्क परमिट वगैरह चाहे 1 साल से 2 साल से कितना भी हैं, तो उनको सरकार ने 3 मंथ का टाइम दिया था, यानी 18 अगस्त लास्ट डेट थी कि उससे पहले पहले आप दुबई छोड़ दें, यूएई छोड़ दें, आपका फ़ाइन माफ़ हो जाएगा, आप ब्लैकलिस्ट नहीं होगे, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, और अच्छी बात यह कि आप दोबारा यूएई आ सकते हो, ठीक है। तो उसको अभी देखिए बहुत सारे लोगों के वो फ़ाइन माफ़ शो नहीं हो रहा है। तो देखिए पहले बता दूं भाई, जो रेजिडेंशियल वीज़ा है उनको तो कुछ नहीं करना, उनको तो अपना टिकट लिया, 1 वे टिकट लिए, पासपोर्ट के साथ में सीधा एयरपोर्ट जाएं, वहीं आपका वो सीजन पूरा क्लोज हो जाएगा, आपका फ़ाइन माफ़ होके आप आराम से इंडिया आ सकते हो, ठीक है। अब ये तो इनका हो गया। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, जैसे विजिट वीज़ा हो गया या और किसी भी तरह सभी प्रकार के जो वीज़ा होल्डर हैं, समझ गए, अगर आप दुबई से इंडिया आना चाहते हैं तो आपको साथियों 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले दुबई एयरपोर्ट पे जो डिपोर्टर सेंटर है टर्मिनल 2 पे, जी हाँ साथियों, वहाँ पे जाके अपना आप फाइन माफ करवा सकते हैं। वहाँ पे लीगल जो भी आपकी फॉर्मेलिटी होगी उसके साथ में आपका वीज़ा लेके जाना, आपको जो वीज़ा एक्सपायर हो गया पासपोर्ट लेके जाना है, और आपके टिकट है वो टिकट साथ में लेके जानी है, आपका फ़ाइन माफ़ हो जाएगा। दूसरी बात, दुबई के अलावा जितने भी एयरपोर्ट है, जैसे शारजा मान लो, अबू धाबी या अलखेमा, जहाँ से आप एयरपोर्ट से आप इंडिया के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप डायरेक्ट 6 घंटे पहले आपको जाना होगा एयरपोर्ट पे। 6 घंटे पहले अगर आप जाते हो तो आपके पास पासपोर्ट टिकट सब कुछ आपके पास होगा, वीज़ा आपका एक्सपायर वीज़ा जो हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। आप 6 घंटे पहले जाके अपना पूरा प्रोसेस, 7 घंटे पहले अगर आप जाते हो तो आपका भाई पूरा जो भी लीगल कार्रवाई है वो होके आपका फ़ाइन माफ़ होके आप लीगल तरीके से इंडिया आ सकते हो, और दोबारा आप वापस दुबई भी जा सकते हो। तो भाई मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ाइन माफ़ नहीं होने के पीछे ये रीज़न है, गवर्नमेंट ने ये लागू किया है, तो इसको फॉलो करें। दूसरा, तीसरे टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सर हमें तो यहीं रहना है, वीज़ा एक्सपायर हो गया इसको कैसे बढ़वाएं। तो भाई देख लीजिए, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर आपका कंपनी वहीं से आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देती है वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, या आप ओमान जाके वापस आ जाते, एक बार एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तो वैसे आपका काम बन सकता है। बाकी फाइन के रिलेटेड मैंने आपको जो बातें थी वो क्लियर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।